जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादमा और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। आइटम नंबर आइटम सॉन्ग है और चप्पन छुरी सॉन्ग को हम लोग जैसे यूपी और बिहार के जो एक वर्ड है ना चप्पन छुरी, जैसे चप्पन छुरी जा रही है उसी वर्ड को हम लोगों ने उठाने की कोशिश की कि उसके ऊपर आइटम गाना बनाया जाए, आइटम सॉन्ग। सो इस गाने को बहुत मतलब बेखूबी बहुत सुंदर से लिखा है दीपक जी ने। जब मैंने इनको बोला कि कुछ ऐसा लिखो ना इसमें शीला आएगी ना इसमें मुन्नी आएगी, कुछ भी नहीं, समथिंग इट हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट और डिफरेंट आइटम नंबर वर्ड लोगों को अच्छा लगे, तो ये मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा कि नहीं चप्पन छुरी सच में डिफरेंट वर्ड है ये। तो उनके ऊपर इन्होंने पूरे स्टोरी बनाया, गाना लिखा बहुत खूबसूरत तरीके से और जावेद जी ने बहुत अच्छा बहुत कमाल, और सारे गाने के सारे काम हम लोगों ने इसरा स्टूडियो से स्टूडियो में किए हैं और विजय जी ने किया है, और सबसे बड़ी बात आज हमारे साथ है अकरम भाई। अकरम भाई ने इसको मतलब चार चांद लगाया क्योंकि डीओपी हमारे मेन, जब वीडियो बना तो वीडियो के मेन चीज़ होती है कि डीओपी कौन है, एवरीबडी इज आस्किंग कि हु इज़ द डीओपी, तो अकरम खान। अकरम खान का जब नाम सुनते हैं तो लोग सोचते हैं अच्छा ही इज सच ए लेजेंडरी पर्सन, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, आई एम सच ए थैंकफुल टू हिम कि मेरे काम को अकरम भाई ने किया, बहुत इंजॉय किया। मैं खुद बहुत डांस करती हूँ इस गाने पे और मैंने वीडियो में भी खुद डांस किया, पहले मेरा मूड नहीं था डांस करने का कि अरे राखी जब है तो कौन डांस करेगी वहाँ पे, है ना, तो फिर लेकिन नहीं, राखी ने बोला नहीं नहीं तुमको डांस करना पड़ेगा मेरे साथ, उसने पकड़ के लेके मुझे डांस करवाया, बोला नहीं नहीं तुमको भी ड्रेस पहनना पड़ेगा, वैसा मैं भी वो बिहार वाली ड्रेस पहन के आके एकदम पूरा बस उसके साथ डांस करने लग गई। बस ओ सेट का माहौल तो मैं बता नहीं सकती हूँ, उस दिन इतना हैक्टिक थे, और अकरम भाई तो आप तो खुद ही थे, आप तो अकरम भाई तो शायद पता नहीं वो तो अनइमेजिनेबल उनके लिए, क्योंकि कभी वो शॉट कभी वो शॉट और इतने सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत लेविश तरीके से अकरम भाई बताओ बहुत लेविश तरीके से किया, इतने 50 डांसर्स और इतने सारे जो जो चाहिए, जितने लाइट्स हो फ्लोर्स हो कोई चीज़ों में कोई कमी नहीं है, इतने चीज़ों को संभालना, इतने बड़े टीम के साथ काम करना, इट वाज रियली अमेजिंग। और तहलका मच गई थी क्योंकि राखी थे,
राखी थे तो मतलब हर बार एक नई नई चीज़ें लग रही थी, और जब लास्ट में हम लोग ग्रुप में डांस किए सब लोगों ने, और उस वीडियो में देखने को मिलेगा, मैंने भी जो थोड़ा बहुत ठुमका लगाने की कोशिश की थोड़ा, और जो और साथ में जो राखी जी के जो इनवाइटी गेस्ट थे हमारे अमिताभ जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी, मतलब यूपी बिहार के, क्योंकि यूपी बिहार शत्रु जी और अमिताभ जी के बिना तो बिल्कुल ही नहीं है, तो वो दोनों जन जब आए थे तो गाना तो और चार चांद लग गए थे, मतलब इट वॉज रियली कमाल। और आप लोगों गाना ऑलरेडी निकल चुके हैं, गाना रिलीज हो चुके हैं, जी म्यूजिक ने रिलीज किया आज, तो आप लोग देखिए उसको, आनंद उठाइए उस गाने का। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, मेरा गाना आप बताइए, मैं पूरा गाना गाऊं। हे छप्पन छुरी मेरी नजरे बुरी, मैं नैनों से मारू कटार रे, कम सिन कमरिया हल लरज लरज जावे में, तो धारी ही तलवार रे, कोई बच ना सका हो ऐसा मुझ में नशा, हो कोई बच ना सका हो ऐसा मुझ में नशा, मैं दिल पे करती हूँ वार रे, मेरे ठुमके पे हो, मेरे ठुमके पे हो, मेरे ठुमके पे यूपी बिहार रे, हो तेरे ठुमके पे यूपी बिहार रे, ये यूपी बिहार रे, तेरे ठुमके पे यूपी। राखी सावंत जी जो हैं छप्पन छुरी हैं, छप्पन भी हो सकती हैं तो कितनी भी छुरी हो सकती हैं, और बाकी ये है कि गाना जो है रिलीज के हिसाब से, और मंदाहिनी जी ने इसको जो बोला कि ये राखी सावंत को ही रखना है, उसी के लिए सोचा है, तो उनके हिसाब से फिर उसका जो हमने इसको कंपोज किया, उसको जो म्यूज़िक किया है, इतना रिदिमिक है वो, इतना उसका हैवी हम लोगों ने उस पर काम किया है कि राखी जी ने उसके ऊपर बहुत अच्छे से, खुशी ही की बात है ये तो, आप लोग सब सामने खड़े हैं, सब लोग आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये खुशी की बात है, और आज हो गया अच्छे से, हमने जी म्यूज़िक में अभी देखा भी गाना, तो बहुत अच्छा उसका वीडियो हुआ है, अकरम भाई ने बहुत उसका अच्छा वीडियो किया है। एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताऊँ, एक्सपीरियंस तो रोज़ सीखो, रोज़ करना पड़ता है, और अभी भी सीख ही रहे हैं, मगर मंदाकिनी जी ने जो सामान दिया, फ्लोर दिया, अच्छा दिया, और दूसरी बात क्या है, राखी सावंत मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उसके ऊपर वो भी है, और मंदाकिनी जी भी फिर ये रही, तो मुझे तो आज भी सीख रहा हूँ और सीखते ही रहूँगा। हाँ, राखी जी के ऊपर इसलिए ये गाना फिल्माया गया क्योंकि जो राखी जी का एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो उन्होंने एनर्जी से डांस किया उस गाने में, तो वो ऐसा लगा जो कोई भी देखेगा तो उसका जो गिलास में जो जाम है ना वो छलक जाएगा, क्योंकि छप्पन छुरी जब नाचते हैं तो जाम छलक जाते हैं। मेरा तो लिखते हुए जब मैंने गाना लिखा तो मेरा तो तभी छलक चुका था, और उसके बाद जब गाया यशराज के अंदर तो उसके बाद और छलक गया, जो बचा कुछ आता हो जब राखी ने जब मारे ठुमके तो वैसे ही निकल गया मामला। नहीं नहीं, ऑब्वियसली एक लड़की तो अल्टीमेटली शादी तो करेगी ना, उसका भी अपना पर्सनल लाइफ है ना, तो शादी वो अरे अपना उसको अपना लाइफ भी तो जीना है ना, अभी तो हमेशा इंडस्ट्री के लिए वो काम कर ही रही है, हमारे गाने के बाद भी वो कितना काम की है, एकता कपूर के लिए काम कर रही है, वेब सीरीज़ बना रही है, बहुत कुछ कर रही है, और उसके बाद अभी वो तो शादी तो ऑब्वियसली एक लड़की करना चाहेगी, वो देखिए वो उनके टोटली पर्सनल मैटर है, क्योंकि इसमें हम कैसे बताया जाए, फ्रेंड होने के नाते भी हम कुछ चीज़ ऐसी होती है हम नहीं पूछ सकते हैं, उनका अपना पर्सनल कुछ चॉइस है, पर अभी कैसे हो सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा आइटम सॉन्ग मैंने लेकर आई हूँ, लेकिन थैंक्स टू मंदाकिनी जी, बिकॉज शी इज़ माई प्रोड्यूसर, सिंगर, माई सिस्टर, एवरीथिंग, कि उन्होंने मुझे ये गाना भेजा, सुनाया, एंड मैं तो बिल्कुल उछल गई, मेरे ठुमके पे यूपी बिहार, इतना अच्छा लगा मुझे, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, बिकॉज मेरे डीएनए में यू नो डांस है, तो मैंने कहा नहीं मंदाकिनी जी अमेजिंग सॉन्ग है, और इनकी इच्छा थी कि वो गाना जब बना रही थी तो वो मेरे बारे में ही सोच रही थी कि आई विल डू दिस सॉन्ग विद राखी, एंड जब उनका विश्वास मुझ पर था तो इनके विश्वास पर मैं कितनी पूरी उतरी हूँ वो वही बताएगी। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, कैसे राखी मेरे माइंड में अभी नहीं, राखी मेरे माइंड में लास्ट 10 ईयर्स से थी, और कि कभी भी मैं आइटम सॉन्ग बनाऊँ तो मुझे राखी के साथ बनानी थी, ये मैंने पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, क्योंकि
रियली मतलब मैं बताऊं कि आइटम नंबर की जब बात आती है तो इंडस्ट्री में हमेशा राखी ही मेरे लिए तो राखी आती है और ऑब्वियसली आप सबके लिए आती है। और इस छप्पन छुरी तो राखी जी के सिवा कोई नहीं कर सकते थे, जो इन्होंने अपना अदाएँ, जो डांस, जो कातिलाना अंदाज थे इस पूरे, सो इनके जैसा किसको ही नहीं कर सकते। नहीं बट थैंक्स टू यू कि आपने मुझे इतना अच्छा बजट दिया, कॉस्ट्यूम सेट इतना अच्छा लगा और विद इन वन डे हमने ये शूट को किया, थ्री चेंजेस किए और इतने बहुत सारे डांस, 40 डांसर्स 50 डांसर्स के साथ में हम लोगों ने ये सॉन्ग शूट किया। एंड आई होप, आई क्रॉस माई फिंगर के पब्लिक को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि छप्पन छुरी है, मैं हूँ छप्पन छुरी और मुझे वही इंसान प्यार करेगा जिसकी 56 इंच की छाती है। इस गाने में एक लाइन ऐसा है, अभी आपको सुनने को जो मिलेगा गाने में एक लाइन है अंतरे में, प्लीज थोड़ा गाना गाइए कि मेरे शिला भरे आके पानी आई है ससुरी राखी की जवानी। सो शीला मुन्नी सब होने के बाद आप छप्पन छुरी एज ए राखी सावंत इस गाने में, छप्पन छुरी राखी सावंत यहाँ पे जवानी अपना भर के जवानी तो कुट कुट के भरी है हमने। यस, अरे आपको दिख ही रही होगी। बहुत कुट कुट के भरी है। नाइसली, वेरी ब्यूटीफुली शी डिड हर जॉब और बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। और छप्पन छुरी दो लाइन गाऊं? गाइए ना, प्लीज 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 गाना गाइए। ए छप्पन छुरी मेरी नजरे बुरी, मैं नैनो से मारू कतार रे, कम सिन कमरिया लर्ज लर्ज जावे में दो धारी ही तलवार, कोई बच ना सका ऐसा मुझ में नशा, कोई बच ना सका ऐसा मुझ में नशा, मैं दिल पे करती हूँ वार रे, मेरे ठुमके पे, मेरे ठुमके पे, हाँ मेरे ठुमके पे यूपी बिहार रे, मेरे ठुमके पे यूपी बिहार रे। मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मंदाकिनी जी का, श्री भगवान करे पूरे बॉलीवुड में ऐसी प्रोड्यूसर मिले कि उन्होंने सब कुछ मेरे पे ही सौंप दिया कि राखी तुमको अच्छा सेट लगवाना है, ये मेरा यूपी का ऐसा बहुत ही अच्छा फील है और कॉस्ट्यूम आपको क्या पहनना पहनो मेरी तरफ से पूरी छूट है, तो मतलब अच्छे कॉस्ट्यूम दिए। और राजीव इज द डायरेक्टर ऑफ द वीडियो, राजीव खैची, संजय उन्होंने कोरियोग्राफी की है, अक्रम खान उन्होंने यू नो ही वॉज DOP कैमरामैन, तो सब ने मिल के एक बजट में अच्छा सॉन्ग कर दिया। मुझे लगता है कभी कभी पूरी फिल्म करते हो तो आपको लड़की नज़र नहीं आती हीरोइन, एक गाना कर दो काफ़ी हो जाता है, यू नो। हाँ बहुत ज़रूरी है और जहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, मंदाकिनी जी तो चाय से ज़्यादा पिटली गर्म है। मुझसे अच्छा आप डांस करती हो, गाती भी हो डांस भी करती हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मंदाकिनी इस वीडियो में है और बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा गाना गाया, I'm so impressed। नहीं पहले तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि नहीं मुझे करना है, राखी जी ने बोले कि तुम, मैंने फोर्स किया, मैंने कहा नहीं यू हैव टू बी देयर, बिकॉज़ सिंगर हो ना, सॉन्ग में अगर सिंगर आ जाते हैं तो इट्स अ ट्रेंड ना, जरूरी है। हाँ नहीं कि तो अगर हमारी सिंगर वीडियो में रहेगी तो और खर्चा करेगी ना उसे रिलीज करने के लिए, वो जरूरी है। बिल्कुल, और आप लोग ऐसा ब्लेसिंग्स कीजिए, ऐसा गाना बनते रहें, ऐसा हम लोग काम करते रहें और ऐसा मिलके बहुत सारे काम करें। आगे आने वाले समय पे भी मैं ये छप्पन छुरी मूवी बनाने वाली हूँ। oh, yeah. मैं इस छप्पन छुरी के नाम को रजिस्टर ऑलरेडी कर चुकी हूँ। wow. गाना पहले बना, मूवी बाद में बनेगी। yes. छप्पन छुरी मतलब वो जितनी भी छुरी की अदाएं हैं, मिर्ची की अदाएं हैं, तिखी हैं, मतलब कातिल निगाहों से कत्ल करती हैं। बिल्कुल, वो बहुत अच्छी, आपकी टीम बहुत अच्छी है और मैं हिंदुस्तान के लोगों से ये कहना चाहती हूँ जो व्हाट्सएप पे हैं, जो यूट्यूब में हैं, जो फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे हैं, तो मैं उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि मैं छप्पन छुरी गाना लेकर आई हूँ। सो आजकल सोशल मीडिया इज़ ए नंबर वन, यू नो, तो सोशल मीडिया आप ही को बनाती है और आपको आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देती है, तो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि छप्पन छुरी वीडियो आ चुका है, आप इस पर डांस कीजिए अपने स्टाइल में, आप कैसे डांस कर सकते हैं। मैं 5 लड़के 5 लड़कियां इनके साथ जो भी जिसका भी बेस्ट डांस हुआ मैं उनके साथ डेट पर जाऊंगी। और मेरा वादा है, लोग वादा करके जाते नहीं है, आपको तो पता है कि मैं बोलती हूँ तो मैं करती हूँ। यस, 5 लड़का 5 लड़की जो राखी जी चूज करेंगे उनका जाना आना खाना पीना सब हमारे तरफ से। हाँ, उनके एयर टिकट, हाँ बिल्कुल, एयर टिकट, रहना, हाँ, खाना पीना, हाँ, सब कुछ। और मेरे पति को बुरा भी नहीं लगेगा, चिंता ना कीजिए।
डेट पे जा रही हूँ बाबा बाबा शादी के बाद डेट पे जा रही हूँ। और टिकटॉक पे जितने सारे इतने अच्छे डांसर्स है और राखी जी तो एक रिनाउंड ऑलरेडी रिनाउंड आर्टिस्ट है, एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट है और छप्पन चोरी इतना अच्छा गाने को राखी जी के गाने को अलग हम उनको हमारे दूसरे फिल्मों जो छप्पन चोरी फिल्म में हम उनको कैरेक्टर देंगे उनसे डांस भी उनके साथ डांस भी करेंगे। यस ये पारुल जो है आपके बिना तो होगा नहीं, हमारे सबसे दोनों की फेवरेट है पारुल चावला, तो एक क्लैप हो जाए पारुल के लिए, पारुल के लिए प्लीज, पारुल चावला रॉक्स। और यस आप भी हमारे गाने को हमारे चीज को जो आपके सामने लाने के लिए जो पारुल जी ने ये मेहनत की है और रियली आई है सब पारुल जी, और ये कंपटीशन जो भी होगा ये पारुल जी के थ्रू ही होगा सब कुछ, ये जैसे आएंगे तो ये नहीं, मैं अपने इंस्टाग्राम पे मेरा फेसबुक पे पूरी दुनिया छाई हुई है, मेरे एक भी वीडियो मिस नहीं करती है, तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भी मैं अपलोड करूंगी। और मुझे 1 month हाँ भाई मेरा हनीमून होने वाला अगले महीने, उससे पहले हो जाए बिकॉज अक्टूबर में आई एम गोइंग टू यूके उसके पहले, तो इसीलिए सबके लिए मैसेज है। लेकिन अलग अलग स्टाइल में हम लोग को हंसी आ जाने चाहिए, छप्पन चोरी पे अलग अलग स्टाइल में आप लोग डांस करो, राखी जी की वो नहीं होना चाहिए है ना, उससे हटके कुछ अलग हो आपके अपने स्टाइल, हम लोग आपकी वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। यस बिल्कुल, मेरे मांग में सिंदूर है, मेरे गले में मंगलसूत्र है और ये मेरी शादी की रिंग है, एक्चुअली थोड़ी लूज है क्योंकि ट्रायल नहीं किया था इसलिए, और मेरी चूड़ियां हैं आप देख सकते हैं, हाँ मैं शादीशुदा हूँ, मैंने शादी कर ली है और मेरे हस्बैंड का नाम है रितेश, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू रितेश, और वो मुझसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, थैंक्स टू माई बॉलीवुड, थैंक्स टू माई मीडिया के मुझे, मैंने इतनी मेहनत करी और मुझे जनता तक पहुँचाया, और पता नहीं मेरे हस्बैंड को मुझसे कब प्यार हो गया, वो मुझे छुप छुप के देखते थे मेरे इंटरव्यूज़, वो कहते कि हर इंटरव्यू तुम एकदम बेबाक बोलती हो, तो उन्हें मुझ में दो तीन चीज़ें पसंद आई है, मैंने उनको कहा आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है, सब तो कहते तू तो बहुत बेबाक है, बहुत बेबाक है, बहुत सारे लोग तो स्वयंवर के बाद शादी करने से डरते थे कि उनको ऐसा लगता था बाप रे पता नहीं क्या हो जाएगा करके, मैं लड़की नहीं एक शोला हूँ, तो कहते नहीं मुझे बेबाक लड़की बहुत पसंद है, मुझे आप बहुत पसंद है, वो मेरे फ़ैन थे, मुझे व्हाट्सएप पे वो मुझे मिले, व्हाट्सएप पे हमारी मुलाकात हुई, वो मुझे रोज़ मैसेज भेजते थे, दिन में दो दो बार दो दो हज़ार टाइम यू नो आई लव यू भेजते थे, और पिछले एक साल से ये हमारा यू नो लव चल रहा है, फिर एक दिन उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया, क्या आप सोच सकते कि मैंने अपने फ़ैन के साथ शादी करी है, कोई अपने फ़ैन के साथ शादी करता है नहीं, मैंने ना उनका बैंक बैलेंस देखा, ना उनको देखा था, ना उनके परिवार को देखा, ना कुछ देखा, बस मुझे उनमें सच्चाई नज़र आई, हर शादी हर लड़की शादी तब करती जब हर बैकग्राउंड देखती है हर चीज़, मैंने ब्लाइंडली शादी करी, और जब शादी के परि मतलब तब पता चला कि ओ माई गॉड इज़ माइंड ब्लोइंग एंड मेरे हस्बैंड इट्स अमेजिंग। नहीं नहीं दीपक कलाल का तो इज़ लाइक माई ब्रदर, मेरा भाई है वो, और मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये कहते हैं कि उनकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई है, हाँ नहीं वो जहाँ जाता लोग उसे बहुत पीटते हैं, वो अपने पेरेंट्स के अंडरगारमेंट्स चुरा के ये सारी हरकतें पहनते हैं, जहाँ जाते लोग उन्हें पीटते हैं, तो इज़ लाइक माई ब्रदर, मेरे भाई हैं, और दीपक कलाल को बहुत जल्द वो बिग बॉस में भी दिखेंगे, और मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल बहुत सारे हॉस्पिटलों से मैंने गुजारिश की है कि कोई भी इंसान अगर उन्हें किडनी गिफ्ट करता है तो दैट विल बी सो गुड। मेरे मैरिज में कोई नहीं आया, कोई नहीं मेरे मैरिज में सिर्फ मेरा भाई आया, मेरा सिर्फ मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड की फैमिली थी। मैं क्षमा चाहती हूँ मीडिया से कि मैंने छुप छुपा के शादी करी, 28 जुलाई को JW मैरिड में मेरी शादी हो गई, एक हमने कोर्ट मैरिज करी, और एक मैं जीसस को बहुत बिलीव करती हूँ तो मैंने क्रिश्चियन स्टाइल में करी, और हमें मेरे हस्बैंड हिंदू है तो हम लोग हिंदू स्टाइल में करी, तीन स्टाइल में हमने शादी करी। अब अगले साल मैं आपके सामने तीन बच्चे पैदा करूँगी तो आपको समझ जाना कि हो गई है भाई,
नहीं रियली मॉम स्वेयर मेरी शादी हो गई है, कोई मजाक नहीं है, कोई मजाक नहीं है। अगले साल देखिए जी, बिल्कुल, मेरे हस्बैंड एक साइंटिस्ट भी है और मैंने हमेशा उन्हें कहा कि आपको मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगा, तो कहते हैं कि राखी तुम बहुत क्यूट हो, बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारे करण अर्जुन बहुत पसंद है। मैंने कहा व्हाट? हाँ, आपके करण अर्जुन, कटरीना और विशाल शेखर बहुत पसंद है। मैंने कहा ओके, आई लव यू टू। सो ऐसे हमारा प्यार हो गया और मैं उनसे बहुत मिस करती हूँ। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो देखिए, मैं शादी इसमें चुप चुपा के की क्योंकि वो एक बहुत बड़े पोजीशन पे, उनका बिजनेस है और उनका प्रोटोकॉल है कि वो मीडिया के सामने नहीं आ सकते। वो सिर्फ सलमान खान के फ़ैन है, शाहरुख खान के फ़ैन है, तो उन्होंने कहा दो शो में मैं पक्का आऊँगा, करण जौहर अगर अपने शो में बुलाएंगे तो मैं पक्का आऊँगा, और सलमान खान बिग बॉस में बुलाएंगे मुझे तो राखी में पक्का आऊँगा, अदरवाइज आई डोंट हैव टाइम टू कम, तुम ही फेस करो मीडिया से, तुम्हारी मीडिया से। मैंने कहा ओके ओके, बोले मैं फेस कर लूँगी, मुझे पता है मीडिया मेरी वो यकीन नहीं मानती है कि मेरी शादी हो गई है अभी भी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, डोंट शेयर माई पिक्चर्स, बट विदाउट कैमरा मैं आपको दिखा सकती मेरी शादी हो गई, अगर आप कैमरा ना देखे तो मैं आपको बता सकती हूँ। नहीं, मैं आप लोग को नहीं दिखाऊंगी विदाउट कैमरा, क्या विदाउट कैमरा। हाँ बोलिए। सलमान जी देखिए, आपकी राह देख देख के अब तो मैंने शादी कर ली। सलमान जी, मैं कहती हूँ शादी के बाद बहुत अच्छा लगता है। पता है आपको मेरे साथ कितनी बड़ी ट्रेजडी हुई? जिस दिन शादी हुई उस दिन यू नो मेरा मेरी सुहागरात थी, यू नो, सो पूरी मीडिया में छा गया। क्या आपको पता है कि मेरे पति को भागना पड़ा, यूके तुरंत भागना पड़ा, और क्योंकि वो थोड़ा डर गए कि मैं मीडिया के सामने नहीं आ सकता हूँ। तो देखिए, तुम्हारी राखी का अभी तक खाता भी नहीं खुला है, क्या कर सकती हूँ मैं जी, खाता नहीं खुला अभी तक। हाँ नहीं नहीं, अगले महीने में जा रही हूँ यूके। आई विश गॉड सलमान खान, अब तो मेरा खाता खुल ही जाना चाहिए जी। मैंने शादी इसलिए चुपके करी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को उनके पेरेंट्स ने, एक बहुत बड़े मिनिस्टर की बेटी का रिश्ता आया था और उनके पीछे बहुत एक उन्हीं के कंपनी की लड़की पड़ गई थी और उन्होंने प्रपोज कर दिया, वो लड़की ने उनको प्रपोज कर दिया था। तो उन्होंने कहा यू हैव 10 डेज, आइदर येस आइदर नो, यू वांट टू मैरी मी। उन्होंने बिल्कुल घुटने पर आके मुझे प्रपोज किया, मेरे पास वीडियो भी है वो, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगी। और बस उन्होंने मुझे 10 डेज का नोटिस दिया शादी का, और मैंने कहा यस। तो फिर मैंने मेरे पेरेंट्स से बात करी। देखिए, मैंने अपने हस्बैंड को एक ही बात बोला, उन्होंने बोला कि आपको मुझे में क्या अच्छा लगा। मैंने कहा देखिए, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी एक आंख नहीं होगी चलेगा, आपका एक हाथ नहीं होगा चलेगा, एक टांग नहीं होगी चलेगा, कुछ भी नहीं होगी चलेगा, बाबूरा होना चाहिए बस। हाँ, फिर उनको मेरी बातें बहुत अच्छी लगी, फिर हमारी शादी हो गई। मिका मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत सुपरस्टार है। हाँ, उनसे एक छोटी गलती हो गई है कि पाकिस्तान में जाके उन्होंने सिंगिंग किया, शोज वोज किया, पता नहीं क्या किया, बट मुझे लगता है कि उनका जो बैन है वो हटा देना चाहिए, बिकॉज इतने अच्छे सिंगर मिलते नहीं हैं। देखिए, हमारे बॉलीवुड के लोग अगर हमारे बॉलीवुड हमारे इंडियन सिंगरों को ही चांस देंगे तो हमारे सिंगर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के सिंगरों को आप लोग क्यों चांस देते हो? मत दो ना, क्या ज़रूरत है? तो हमारे इंडियन क्या अरिजीत में बड़े बड़े सिंगर्स हैं, मिक्का में, इन सब में क्या कमी है? दूसरों को भी चांस दो, हर सिंगर को चांस दो। तो मुझे लगता है हमारे सिंगर्स बहुत बेस्ट है, इंडियन सिंगर रॉक्स, उन्हीं को चांस मिलना चाहिए, सोनू निगम को भी मिलना चाहिए। यस। मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।